नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। ललितपुर में कोविड लेवल एक हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा मरीजों को खाने पीने की सुविधा। एक तरफ जहां योगी सरकार दावा कर रही है कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वहीं ललितपुर से बड़ी खबर सामने आई है जहां एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है जो साफ दावा कर रहा है कि हॉस्पिटल में ना तो साफ सफाई है, ना ही पीने का पानी मिल रहा है। अन्य कई समस्याओं के बारे में भी बताया गया है। आइए देख है रिपोर्ट। प्राइम न्यूज 24 के लिए राजू प्रजापति की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं समस्त जनपद वासियों को इसकी बधाई देता हूं कि इस जनपद में सर्विलांस का और जागरूकता कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ और हमारे जनपद में प्रत्येक निगरानी समितियां, चाहे नगर क्षेत्र की हों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और लगातार जो भी संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनका तुरंत टेस्टिंग होकर के और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक आज तालबेट पॉलिटेक्निक में जो हमारा हॉस्पिटल L1 संचालित है उसके संबंध में कुछ सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि SDM तालबेट को भेज करके सभी जानकारी दी गई है। मेरे द्वारा संबंधित अस्पताल में और वहाँ के जो मरीज हैं उनसे बात होती रहती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और SDM तालबेट द्वारा बताया गया है कि जो शिकायत मिली है वो वहाँ जानकारी करने पर और वहाँ पर उसको देखने पर जानकारी अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी की है, उसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर भी SDM लगातार CSC तालबेट और पॉलिटेक्निक दोनों का सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। इसके साथ ही मैं समस्त जनपदवासियों से अपील और कर रहा हूँ कि आप हमारे पास एंटीजन टेस्ट, जिसमें कि तुरंत उसका रिजल्ट करीब आधा घंटे के बाद आ जाता है, एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं जिसमें कि संदिग्ध मरीजों की एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। समस्त जनपदवासियों से अपील है जहाँ भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में कठिनाई, इस तरीके का कोई संदिग्ध मरीज आए तो तुरंत जो है CMO को, KDM फाइनेंस को, मुख्य विकास अधिकारी को, जिला सूचना अधिकारी को या मुझे फ़ोन करके तुरंत अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि संक्रमण को वहीं पे रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।